दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि जिस व्यक्ति ने आईपी यूनिवर्सिटी की नींव रखी उसका नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। स्वर्गीय शीला दीक्षित ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने की नींव साल 2006 में रखी थी। दरअसल आईपी यूनिवर्सिटी कैंपस उद्घाटन समारोह था। समारोह में सीएम केजरीवाल के संबोधन के दौरान लगातार नारेबाजी हुई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं और आपके कार्यकर्ताओं में आपस में तू तू मैं हो गई। इसको लेकर हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात होती है कि जिस व्यक्ति ने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी उसके नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। स्वर्गीय शीला दीक्षित ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने की साल 2006 में नींव रखी थी। अब हमारी सरकार नहीं है। आज जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आपस में श्रेय लेने की होड़ में नारेबाजी की बेहद गलत की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को नंबर वन बताते हैं। डीटीसी बस के कर्मचारी पिछले कई सालों से बसों की सेवा करते रहे हैं। उन्हें कई सालों से पेंशन मिलती आ रही है, लेकिन आज दिल्ली में 14,000 ऐसे रिटायर्ड बस कर्मचारी हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। आखिर दिल्ली सरकार ने किस वजह से इनकी पेंशन रोक रखी है? हमें कई बार पत्र लिखकर निवेदन किया, इसके बावजूद आज तक सुनवाई नहीं हुई। अगर इनको पेंशन नहीं दी गई तो कांग्रेस अदालत जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हो गई है। दिल्ली में जिन लोगों को जन सुविधाएं मिलती थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी बिजली की समस्या आए दिन हो रही है और केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं।